राजस्थान से है। कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने आज टोंक में विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इससे पहले उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया कि सभी को माफ करो और आगे बढ़ो। इसी लाइन पर मैं आगे बढ़ रहा हूं। हमारा कोई ना मतभेद है ना मनभेद है और ना ही कोई हमारा गुट है। बता दें कि पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट अपने हजारों समर्थकों के साथ में नामांकन फॉर्म भरने पहुंचे। टोंक में सवाई माधोपुर चौराहे पर भूतेश्वर महादेव मंदिर में करीब 11:30 पर उन्होंने रैली की शुरुआत की। इससे पहले पायलट ने भूतेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना भी की। वहीं सचिन पायलट ने नामांकन दाखिल करने से पहले मीडिया से बात की। उन पर हुए सियासी हमलों को भी लेकर उन्होंने कहा कि मुझसे खड़गे जी और राहुल गांधी ने कहा कि माफ़ करो और आगे बढ़ो, मैं उसी की राह पर चल रहा हूं। उन्होंने चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर भी जवाब दिया है। पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस कभी भी पहले यह घोषित नहीं करती, बहुमत आने के बाद पार्टी के आलाकमान तय करेंगे कि नेतृत्व कौन करेगा। हर उम्मीदवार के साथ पार्टी खड़ी है। मुझे खड़गे जी ने कहा माफ करो, भूलो, आगे बढ़ो। मैं उस लाइन पर चल रहा हूँ, माफ करो जिस कहा किसी ने, भूल जाओ, आगे की तरफ देखो। और मैं तो अपने सपनों के लिए जिम्मेदार हूँ, कोई और क्या बोलता है ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हमें तो पार्टी को जिताना है, सरकार बनानी है, ताकि 2024 में इंडिया की सरकार बने, कांग्रेस की सरकार बने और बीजेपी को हम चुनाव हरा पाए।